अभी राहुल मामरे जी ने जो बात कही है कि जब प्रधानमंत्री जी आए तो 24 घंटे में उनके लिए हेलीपैड बन गया, अच्छी बात है, बनना चाहिए, उसकी विरोध नहीं है। मैं लेकिन वहीं पे बगल में बस स्टैंड जो है वो 20 साल से जनता का बस स्टैंड नहीं बन रहा। तो हम गोवा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि वीआईपी लोगों के लिए केवल काम करती है। हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग वीआईपी हैं। जितनी स्पीड से प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बना, उतनी स्पीड से आपकी सड़कें भी बनेंगी और उतनी स्पीड से आपका बस स्टैंड भी बनेगा और उतनी स्पीड से रविंद्र भवन भी बनेगा, सारे काम होंगे। आज मैं गोवा के लोगों को अपील करना चाहता हूँ। चुनाव के केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद चुनाव है। ये चुनाव मैं समझता हूँ कि मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव गोवा का भविष्य बदल सकता है, गोवा का प्रेजेंट बदल सकता है। गोवा के लोगों से अपील है कि आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, आपने 15 साल बीजेपी को दिए, इन पार्टियों ने मिलके गोवा के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा इन पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने आपका कोई काम नहीं किया। आज गोवा में सड़कें टूटी हुई हैं, आज गोवा में पानी की प्रॉब्लम है, आज गोवा में बिजली की प्रॉब्लम है, आज गोवा में लोग बच्चे बेरोजगार हैं, आज गोवा में हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं, आज गोवा में एजुकेशन सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए दोनों तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों को और अगर आप 5 साल दे देंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कुछ सुधरने वाला नहीं है, ये अगले 5 साल भी कुछ नहीं करने वाले, ये केवल लूटेंगे, लूटने के लिए आ रहे हैं। एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, दिल्ली के लोग बार 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 आम आदमी पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है, फेंक दिया उठा के। गोवा के लोगों से अपील है कि इन दोनों पार्टियों को वोट देने से तो कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही चलेगा। एक चांस आम आदमी पार्टी को देके देखिए, अगर हम अच्छा काम ना करें तो 5 साल बाद हमें उठा के फेंक दीजिएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को खत्म कर दिया, ऐसे ही हम इतना अच्छा काम करेंगे कि 5 साल के बाद आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। इन लोगों ने पिछले कई सालों में मिलके गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। अगर आप इनको दोबारा वोट देंगे तो 5 साल के अंदर ये 24,000 के बजाय 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे और उसके बाद 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे। आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो पूरा कर्जा भी खत्म कर देंगे और बजट को प्रॉफिट के अंदर ले आएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। पिछली बार 17 में से 15 MLA, आपने 17 MLA कांग्रेस के बनाए जिसमें से 15 MLA छोड़ के चले गए, तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने कर आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि आप बीजेपी अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस को, एमजीपी को, इन पार्टियों को, जीएसपी को, इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जीतने के बाद सारे बीजेपी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो जो लोग जो जो बीजेपी की गवर्नेंस से परेशान है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से परेशान है, जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते, वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलके आम आदमी पार्टी को वोट करें। तो अगर आप ईमानदार सरकार चाहते हैं आम आदमी पार्टी को वोट दें, अगर आप करप्ट सरकार चाहते हैं तो इन पार्टियों को वोट दें, अगर आप गोवा का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे सारा तो इन पार्टियों को वोट दे सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दीजिए। बीजेपी 10 साल सत्ता में होने के बावजूद आज अगर सबसे ज्यादा कैंपेनिंग कौन कर रहा है तो वो बीजेपी है, तो उन पर ऐसी नौबत क्यों आई आपको? क्योंकि उन्होंने गोवा को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर वो गोवा के लिए काम करते
तो उनको आज जनता के सामने इतना वो नहीं होना पड़ता, एम्बैरेस नहीं होना पड़ता। अरविंद केजरीवाल जी, रमन फ्रॉम न्यूज़ 24 बोल रही है। सर, कल प्राइम मिनिस्टर की रैली थी यहीं पे गोवा में, और उन्होंने एक गंभीर आरोप ये लगाया कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली सरकार के लोगों ने, लोग जो मजदूर थे उनको गलत जानकारी देकर एक पैनिक करने की कोशिश की, और ऐसे समय में ये लोग जानबूझकर राजनीति करते हैं केंद्र सरकार की बदनामी। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री इस देश का इस तरह से खुलेआम झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि वीडियोस भी हैं, दिखाइए। उन्होंने कौन सा ले लीजिए, उनसे उनसे मांगिए आप। पीएम के स्पीच में पीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में गोवा विल बी द गोल्डन पीकॉक। 10 साल में तो उनसे गोल्डन पीकॉक बनानी, अब वो कह रहे हैं 5 साल और दे दो। बेसिकली वो ये कहने आए थे, भाई 10 साल में हमने सफिशिएंटली लूटा नहीं है, अभी लूटना और बाकी है। कांग्रेस कह रही है भाई देखो 10 साल से ये लूट रहे हैं, अब हमारी बारी आ गई। और बीजेपी ये कह रही है भाई अभी और लूटना बाकी है, हमें अभी सफिशिएंट नहीं लूटा। देखो अभी तो प्रमोद सावंत को तो बेचारे को 5 साल भी नहीं हुए अभी, और आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो गोवा को ईमानदार सरकार दे सकती है। 1961 के बाद से आज तक जितनी सरकारें बनी सबने गोवा को लूटा। आम आदमी पार्टी पहली ईमानदार सरकार बनाएगी गोवा के अंदर। साडा हर एक प्रोग्राम देखण अते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो बनेरा टीवी, अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करो।